ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्सनेट चैनल। सो ऑल डियर स्टूडेंट, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी सीनेट इंट्रेंस एग्जाम 2025, एबीबीएमयू पैरा मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम 2025 एंड जो है एम्स बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो 31st क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही आयाम तथा आवृत्ति की दो तरंग एक बिंदु पर अध्यारोपित होती हैं, परिणामी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा जबकि दोनों तरंगे एक ही कला में पहुंचे तथा जबकि दोनों तरंगे 17/2 मतलब कि 17/2 कलांतर से पहुंचे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 1:1, सेकेंड है 2:1, थर्ड ऑप्शन है 2:1 एंड लास्ट ऑप्शन है 4:1। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा क्या कि एक ही आयाम तथा आवृत्ति की दो तरंगे एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो जो परिणामी तीव्रताओं का अनुपात जो होगा वह जो हो जाएगा 2:1, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, दो कला संबंध प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताएं 1 व 41 है में अध्यारोपण होता है, परिणामी पुंज की महत्तम और न्यूनतम तीव्रताएं क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 5i/1, सेकेंड है 9i/1, थर्ड ऑप्शन है 5i/31 एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया 91/30i, यहाँ पे दिया 9i एंड जो दिया 31। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, जो परिणामी पुंज की जो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताएं होंगी, जो महत्तम तीव्रता जो होगा वह कितना हो जाएगा 9i हो जाएगा एंड जो न्यूनतम तीव्रता होगा वह i हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना है, 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, सबसे अधिक और सबसे कम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10:8, सेकेंड है 9:1, थर्ड ऑप्शन है 4:1 एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 2:1। तो सबसे अधिक और सबसे कम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वह 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया है, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं में अनुपात 9:1 है, तो इसका अर्थ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, दोनों छिद्रों के कारण पर्दे पर तीव्रताएं क्रमशः 5 तथा 4 मात्रक हैं, सेकेंड है दोनों छिद्रों के कारण पर्दे पर तीव्रताएं क्रमशः 4 तथा 5 मात्रक हैं एंड थर्ड ऑप्शन दिया है आयाम अनुपात 3:1 है, लास्ट ऑप्शन है आयाम अनुपात 2:1 है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, आयाम अनुपात जो होगा वह 2:1 होगा। अगला प्रश्न है, यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ेगी किंतु दूरदर्शी की घटेगी, सेकेंड है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी दोनों की आवर्धन क्षमताएं बढ़ जाएंगी, थर्ड ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी दोनों की आवर्धन क्षमताएं घट जाएंगी एंड लास्ट ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी किंतु दूरदर्शी की बढ़ेगी। तो यदि अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है उसको बढ़ा दिया जा रहा है तो जो है सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता घटेगी किंतु दूरदर्शी की बढ़ेगी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है यदि फर्स्ट ऑप्शन है कम फोकस दूरी का अभिदृश्यक प्रयुक्त किया जाए, सेकेंड है अधिक फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए, थर्ड ऑप्शन है कम फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा अधिक फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा कम फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक तथा कम फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, सेकेंड ऑप्शन दिया है नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, थर्ड ऑप्शन है नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी नहीं यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच बनने वाला प्रतिबिंब है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आभासी सीधा तथा आवर्धित, सेकेंड है वास्तविक सीधा तथा आवर्धित,
थर्ड ऑप्शन है वास्तविक उल्टा तथा आवर्धित, एंड लास्ट ऑप्शन है आभासी सीधा तथा छोटा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दृश्यक तथा नेत्रिका के बीच बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह जो है वास्तविक होगा, रियल होगा, उल्टा होगा मतलब कि इन्वर्ट होगा, एंड आवर्धित होगा मैग्नीफाइड होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर, सेकेंड है 50 सेंटीमीटर पर, थर्ड ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर पर, एंड लास्ट ऑप्शन है अनंत पर। तो जो एक हेल्दी आई के लिए जो दूरबिंदु स्थित होता है वह जो है अनंत पर, इनफाइनाइट पर स्थित होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक मनुष्य की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, सेकेंड है 20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, एंड लास्ट ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। तो एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह जो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है नेत्र लेंस कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिसारी, सेकेंड है अपसारी, थर्ड ऑप्शन है उत्तल व अवतल, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस जो होता है वह जो है अभिसारी होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए पूछ रहा है, तो दूरदृष्टि के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अवतल लेंस, सेकेंड है अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन है उत्तल लेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए पूछ रहा है तो उत्तल लेंस रहेगा, अगर निकट से पूछे तो अवतल लेंस रहेगा। तो इसको आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, किससे, आपको किसी भी पर्सन जिसका नाम अनिल है उसको याद कर लेना है, अनिल नाम को आपको याद कर लेना है। तो आ से हो जाएगा अवतल, और नी से हो जाएगा निकट, और यल से हो जाएगा लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग हम किस में करते हैं, निकट दृष्टि दोष में, बट हम दूर दृष्टि दोष में किसका कर रहे हैं, उत्तल लेंस का कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अवतल लेंस, सेकेंड है अवतल दर्पण, थर्ड ऑप्शन है उत्तल लेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ पे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में करके आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसके निवारण के लिए हम चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, एंड लास्ट ऑप्शन है अनंत पर। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है रेटना पर, सेकेंड है रेटना से आगे, थर्ड ऑप्शन है रेटना से पीछे, एंड लास्ट ऑप्शन है कहीं नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, रेटना से पीछे। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है, उसका दृष्टि दोष कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सेकेंड है दूर दृष्टि दोष, थर्ड ऑप्शन है जरा दूर दृष्टि दोष, एंड लास्ट ऑप्शन है अबिंदुकता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है मानव नेत्र में ह्यूमन आई में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, सेकेंड है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, थर्ड ऑप्शन है सीधा होता है सीधा दिखाई देता है, एंड लास्ट ऑप्शन है उल्टा होता है उल्टा दिखाई देता है। तो मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह जो है उल्टा होता है और सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है उपकेंद्रण, सेकेंड है विसरण, थर्ड ऑप्शन है अपकेंद्रण, एंड लास्ट ऑप्शन है अपोहन। तो जो वॉशिंग मशीन होता है उसका कार्य सिद्धांत जो है वह अपकेंद्रण पर बेस्ड होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है त्वरण के साथ ऊपर, सेकेंड है सामान गति से नीचे, थर्ड ऑप्शन है सामान गति के साथ ऊपर, एंड लास्ट ऑप्शन है त्वरण के साथ नीचे। तो यह क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर यूपीएससी नेट के एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
बाकी ऊपर जो मैंने क्वेश्चन कराए उसमें से भी तीन क्वेश्चन जो आपके जो है प्रीवियस ईयर इंट्रेंस एग्जाम यूपीसी नेट में पूछे गए थे। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, थोड़ा के साथ नीचे। अगला प्रश्न है, पानी में लोही की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है पास्कल का सिद्धांत, सेकेंड आर्किमिडीज का सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का नियम, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए पोंड है तो इसमें अगर हम सुई डाल रहे हैं तो सुई डूब जा रहा है, तैरती रहती है, नहीं सुई जो है डूब जा रहा है पर जहाज तैरती रहती है, जो मतलब बोट होता है वह तैरता रहता है, तो बोट जो है तैरता रहता है किस सिद्धांत पर आए? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ेगा कम होगा, सेकेंड पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, थर्ड ऑप्शन है उतना ही रहेगा, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा उतना ही रहेगा, क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, फर्स्ट ऑप्शन है पनडुब्बी नोदन में, सेकेंड अति चालकता विषयक अनुसंधानों में, थर्ड ऑप्शन है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, एंड लास्ट ऑप्शन है तुषार मुक्त परिस्थितियों में। तो निम्न तापी इंजनों का जो अनुप्रयोग होता है वह जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम 2024 से बिलोंग करता है, पूछा गया था, तो आकाश का जो रंग है वह नीला क्यों दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन है विवर्तन के कारण, सेकेंड है प्रकीर्णन के कारण, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे परावर्तन के कारण, एंड लास्ट ऑप्शन है अपवर्तन के कारण। सो स्काई का रंग ब्लू इसलिए दिखाई देता है, वह जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगर जो आपको जो समुद्र है उसका वाटर जो कैसा दिख रहा है, ब्लू, जो समुद्र का वाटर है वह ब्लू दिख रहा है, तो यह भी जो है क्या होता है प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और अगर आपको सूर्यास्त के समय जब सन इंड होता है एट द टाइम ऑफ इवनिंग, तो जो सूर्यास्त क्या होता है जो बहुत ही क्या दिखता है, बहुत ही ज़्यादा येलो या फिर ऑरेंज कलर का दिखता है, मतलब जो चमकता है अधिक, तो अभी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तीनों घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, सेकेंड है 0 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, एंड लास्ट ऑप्शन है 0 हर्ट्ज से जो है 20 हर्ट्ज। तो जो एक सामान्य मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति सीमा है वह जो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, रिक्टर स्केल क्या मापता है? जो रिक्टर स्केल है वह क्या मापता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट का आकार, सेकेंड है भूकंप की तीव्रता, थर्ड ऑप्शन है हवा की गति, एंड लास्ट ऑप्शन है सुनामी की ऊंचाई। तो रिक्टर स्केल जो होता है, जो रिक्टर स्केल होता है वह जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, सेकेंड है भूमध्य रेखा पर, थर्ड ऑप्शन है समुद्र की सतह पर, एंड लास्ट ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला, पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत ऊष्मक, सेकेंड है विद्युत बल्ब फिलामेंट वाला, थर्ड ऑप्शन है विद्युत स्त्री, एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोवेव। तो जो माइक्रोवेव होता है क्या होता है, धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है समतल दर्पण, सेकेंड है उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन है अवतल दर्पण, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों के नाक कान जो नाक हो गया, नोज, ईयर एंड जो नेक हो गया, इनकी जांच के लिए जो डॉक्टर्स जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, EMRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो MRI का जो फुल फॉर्म होता है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस, क्या होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग,
मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। एमआरआई का जो फुल फॉर्म होता है, तो एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि की तरंग, सेकेंड है एक्सरे, थर्ड ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड वेव एंड लास्ट ऑप्शन है चुंबकीय तरंग। तो एमआरआई मशीन में जो है चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन है तेल की श्यानता अधिक होती है, सेकेंड है जल की श्यानता अधिक होती है एंड थर्ड ऑप्शन है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, लास्ट ऑप्शन है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वह अधिक होता है, सरफेस टेंशन वाला एरिया जो है वह अधिक होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, फॉर लेटेस्ट क्वेश्चन एंड लेटेस्ट वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल पल्स नीट एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल।